सर्दी का मौसम आते ही चोर सक्रिय हो जाते हैं। इसी के चलते टोहाना में बस स्टैंड के पास एक कपड़े की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। हालांकि यहां प्रशासन का भी चौकसी रहती है, लेकिन चोरों ने धुंध का फ़ायदा उठाते हुए छत के ऊपर से प्रवेश करके दुकान के ताले को तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। दुकानदार ने बताया कि चोरों ने छत के ऊपर से प्रवेश करके कटर के द्वारा लॉक को तोड़ा गया। उन्होंने बताया कि उनके लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये तक की कीमत के कपड़े चुरा लिए। तो क्या हुआ आपकी शॉप, जैसे आप बता रहे चोरी? शाम को गए थे बंद करके जी, रात को। उसके बाद सुबह आगे देखा तो ये बीच जो बीच में शटर लगा हुआ है साइकिल में, जो उस पर आगे से घुसे चोर जी। फिर लगभग ये पैंटें ले गए हैं, शर्टें ले गई हैं, जूते ले गए हैं, बनियान वगैरह ले गए। लगभग 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान है जी। अच्छा, तो आपको कोई रात कोई फ़ोन आया किसी पड़ोसी ने, सुबह आकर देखा? सुबह आके तो कुछ शटर खोलने के बाद देखा जी मैंने, बाकी ऐसे कोई पता नहीं चल, बाहर से नहीं आए जी, ऊपर से आए वो। ऊपर से आए? तो पुलिस को भी आपने कोई सूचना दी इस बारे में? उसको सूचना दे दी जी, पुलिस अभी आई नहीं है जी, पुलिस को दे रही सूचना, एक घंटा हो गया लगभग। अच्छा, तो क्या लगता है सर्दियां आ गई है तो चोर भी सक्रिय हो गया, जैसे पहले भी हुई है अपने शहर में? हाँ जी हाँ, ये बता रहे तेरे 4-5 चोरियाँ होगी इस महीने में, चोर सक्रिय हो रहे हैं क्यों, धुंध वगैरह मौसम में इतना हो रहा है कुछ। तर्क ऐसा नहीं, 3-4 दुकान छोड़ के पड़ोसी दुकान है, उसमें पीछे से चढ़े हैं जो पैड़ी लगा कर जी, फिर वो छत पे से आए हैं, फिर आगे से बारजे पे हो गए, फिर उन्होंने छत उठाया जी, छत बल्ला बुल्ला दे के उठाया जी। फिर तो आपकी दुकान से चोरी क्या हुआ है, क्या सामान लेकर गए? हमारी दुकान से पैंटे ले गए जी, लगभग 40 के पैंटे ले गए, 35-40 के शर्टें ले गए, और जूते वगैरह ले गए, 2-4 जोड़ी बनियान वगैरह ले गए थोड़ी मोटी। लगभग कितना नुकसान? लगभग 30-40 हज़ार रुपये नुकसान है जी। हमको जैसे सही रात को सही करके गए थे, तो सुबह पड़ोसी का फोन गया जी घर हमारे, भैया ऐसे ऐसे आपकी साइड में पैड़ी लगी हुई है, गेट खुला पड़े ऊपर, भैया आप आकर की दुकान देखें। तो फिर आपने क्या पाया जब आपने आके देखा? तो हमने आके देखा जी, पैड़ी लगा रखी थी हमारी ऊपर वाली साइड वाली दुकान पे, ऊपर छत पे, और गेट कटा हुआ मिला जी। तो कामयाब नहीं हो पाए? कामयाब नहीं हो पाए। क्या कुछ चोरी हुई है जी? कुछ नहीं हुआ जी, मतलब अंदर वो निकल पाए। पुलिस को शिकायत दी है आपने? नहीं दी। तो क्या नुकसान हो सकता था? कोई रखी थी नकदी वगैरह होती है आपके यहाँ पे? नहीं जी, नकदी वगैरह कुछ नहीं रखते, मतलब सामान किराने की दुकान है। तो ये क्या वारदात में शामिल हुआ है, क्या मामला है सारा? इससे लगता है ये वारदात में शामिल हुआ था, ये ऊपर पैर इसको लगाकर, इसको पैड़ी ऊपर खींची गई है, इससे पैड़ी लगाकर वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई है। तो ये रस्सी भी दुकान की है कहीं बाहर से? ये साथ वाले पड़ोसी की रस्सी थी। तो इसका पता कैसे लगा वारदात का? वारदात का ये सुरेंद्र जी हमारे पड़ोसी, उन्होंने इनको फोन किया, भाई साहब को भी आपके साथ में पौड़ी लगी हुई है, आप आगे एक बार देखिए। देखने में पता चला अभी उन्होंने गेट की कटिंग की हुई है, पर चोरी करने में नाकाम रहे हैं। तो आप इस रोड के दुकानदार हो, दो चोरियां हुई हैं, तो क्या मानते हो, पुलिस से कोई मांग करोगे? पुलिस से हम यही, प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो ये चोरी हुई है, इसको जो भी है जिन्होंने चोरी की है, उनको जल्दी से जल्दी पकड़कर दुकानदारों को जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए, और उनको पकड़कर ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि वो किसी दुकानदार का किसी नुकसान ना कर सके। नहीं है तो मतलब कि थोड़े टाइम पहले हटाया गया था, वो बुजुर्ग होने की वजह से, अब नया चौकीदार देखा जा रहा था, फिर नया चौकीदार जो काम के लायक को अच्छा मतलब कि कर सके, वो चौकीदार की तलाश में दुकान। पुलिस की गश्त रहती है यहाँ पर? पुलिस की गश्त रात को एक ही बार आती है। आगे धुंध पड़ेगी, धुंध की वजह से चोरी होने का ज़्यादा भय रहता है, तो प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन में हम यही मांग करते हैं जी, टाइम टाइम के अनुसार जितने जैसे धुंध पड़ेगी वैसा ही उस प्रकार से गश्त की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा गश्त की जाए ताकि दुकानदार सुरक्षित रह सके।